रामपुर नाम के गांव में प्रसाद शारदा एक दंपति रहते थे। उनका बेटा जिसका नाम था रमेश। रमेश कॉलेज में पढ़ाई करता था। हर दिन वो पॉकेट मनी के तौर से अपने माता पिता के पास से पैसे लेता था और दोस्तों के साथ मिलकर उसे अय्याशी से उड़ाता था। शंकर और रविंद्र रमेश के दोस्त थे। वो उन दोनों के साथ रहता था और समय व्यतीत करने के साथ साथ मौज मस्ती करता था। तभी एक दिन रमेश कहता है, अरे शंकर, रविंद्र आजकल दिख नहीं रहा है। दो दिन पहले हम दोनों ने उसे देखा था ना, कहाँ गया है वो? क्या हो गया उसे अचानक? अरे वो एक लड़की से प्यार करता है ना, उसी के साथ आजकल घूम रहा है। प्यार में पड़ने के बाद कहाँ दोस्तों की याद आती है। कल तुम भी यही करोगे, तुम्हें लड़की मिल जाएगी तब तुम भी मुझे भूल जाओगे। हाँ, वैसा सीन नहीं है मेरे साथ। दोस्त दोस्त होता है, प्यार प्यार होता है। चलो चलो, मुझे वो मुर्गी भैंस वाली कहानी मत सुनाओ। रमेश और शंकर जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, उन्होंने देखा थोड़ी दूर में रविंद्र अपनी प्रेमिका को आहत करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी प्रेमिका के ऊपर एसिड छिड़क के उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। अरे उसे रोको, चलो चलो जल्दी, देखो वो क्या करने जा रहा है। अरे ये पागल आदमी क्या कर रहा है बाबा, हमें जल्दी से रोकना होगा वरना भयानक घटना घटने वाली है। अरे जल्दी चलो। जब तक रविंद्र अपनी प्रेमिका पे एसिड फेंकता, तब तक एक महिला आती है वहाँ और रविंद्र को धकेल देती है। उसके हाथ से बोतल लेती है और दूर फेंक देती है। अरे शंकर, ये लड़की कौन है? ये तो बहुत साहसी है। ये रविंद्र की बहन है, तुमने आज तक इसे देखा नहीं था ना? इसका नाम अनामिका है, ये बहुत ही स्मार्ट है। रविंद्र अनामिका से बहुत डरता है, तुम्हें पता है? देखो अब क्या होता है और कैसे फटकार लगाती है इसे। अनामिका अपने भाई रविंद्र को बहुत डांटती है। अगर कोई लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि तुम उसके चेहरे पे एसिड फेंक दोगे। ये कहकर उसके गालों पर जोरों का थप्पड़ लगाती है। एक तरफ अनामिका अपने भाई को डांटे जा रही थी, दूसरे तरफ रमेश बस अनामिका को ही देखे जा रहा था। उसे देखते ही रमेश को प्यार हो गया था। ये बात वो अनामिका से कहना चाहता था। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन उसे पता था कि अनामिका मंदिर जाने वाली है। वो चाहता था उससे एकांत में बात करना, इसीलिए वो भी मंदिर जाता है। अनामिका मंदिर जाके पूजा करती है। रमेश बड़े स्टाइल से जाता है और कहता है अनामिका से, क्या तुम रविंद्र की बहन हो? हाँ हूँ, पर मैंने कभी भी आपको उसके साथ नहीं देखा। मैं रविंद्र का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हम दोनों बहुत करीबी हैं। ऐसी बात है भैया? क्योंकि उसने रमेश को भैया कह दिया, इसीलिए वो थोड़ी देर आश्चर्य रह गया। थोड़ी देर बाद उससे निकलता है और फिर उससे बात करता है। छी, भाई के सारे दोस्त भाई होते हैं, ये तुम्हें किसने कहा? ऐसा नहीं क्या, पर हम इतने क्लोज भी नहीं है कि एक दूसरे को दोस्त कहे। पर तुम भाई कैसे बोल सकती हो? वैसे मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम सबसे अलग हो। मैं यहाँ पे आया क्योंकि तुम यहाँ अकेली थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनामिका, आई लव यू सो मच। अनामिका हंसने लगती है, फिर वो उसे सच्चाई बताती है। अरे रमेश बाबू, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ अकेली आई थी ताकि आप मुझसे इस बारे में बात करें। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू टू। ऐसा कहकर अनामिका रमेश के गले लग जाती है। दोनों ही बहुत खुश थे। ठीक उसी वक्त उन दोनों ने थोड़ी दूर में देखा, एक चिड़िया अपनी जिंदगी के लिए तड़प रही है। ये देखकर रमेश और अनामिका को बहुत बुरा लगता है। अनामिका जल्दी से जाती है और उस पक्षी को पानी पिलाती है। पानी पीते ही वो पक्षी दम तोड़ देती है। अनामिका फिर उस पक्षी को मिट्टी के नीचे समाधि देती है और वहां से चली जाती है। उस पक्षी की यादों को संजो के रखने के लिए वो उसका एक पंख अपने साथ रख लेती है। बाद में वो अपने परिवार से कहती है कि वो रमेश से प्यार करती है, फिर जाके रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। अनामिका बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय काट रही थी। शारदा और प्रसाद भी अनामिका को बहू के तरह नहीं अपनी बेटी के नजरों से देखते थे। ये देखकर रमेश भी बहुत खुश था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अचानक से तेज हवा और गरज के साथ तूफान आता है
और भारी बारिश होती है। अजी, हम निचले इलाके में रहते हैं, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे, डरो मत अनामिका, ये घर बहुत मजबूती से बनाया गया है, इस बारिश से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है जी, हमारे पड़ोस की कॉलोनी डूब चुकी है, तो अगला तो हमारा ही कॉलोनी है। फिलहाल हम यहाँ से चले जाते हैं, जब तक बारिश होगी तब तक हम बाहर ही रहते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कहना चाह रही हो? क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए तुम कह रही हो कि हमें घर से बाहर रहना चाहिए। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि हम बाहर रहें। कुछ नहीं होगा, हम यहीं रहते हैं। बारिश बहुत तेज हो जाती है, बाढ़ के पानी से वो जगह डूबने लगता है। उस समय उस क्षेत्र के लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, वो याचना करने लगते हैं बस कोई आके उन्हें बचा ले। उस जगह की परिस्थिति सभी के लिए एक जैसी थी और बहुत ज्यादा भयानक थी। तभी अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, हमें बचा लीजिए, इस कॉलोनी के सभी लोगों को बचा लीजिए। जब अनामिका इस तरह से प्रार्थना कर ही रही थी, उसके पास वो पक्षी का पंख था जो उसने छुपा रखा था। वो पंख आकर वहां बैठ जाता है। जैसे ही अनामिका उस पंख को छूती है, अनामिका को एक जादुई पंख लग जाता है। उस पंख के सहायता से अनामिका कई लोगों की जान बचाती है और ख्याल रखती है ताकि किसी की जान ना जाए। अनामिका के इस काम के लिए अनामिका को बहुत सराहना की जाती है। अनामिका भी बहुत खुश थी कि उस पक्षी के कारण वो अपने जादुई पंखों से कई लोगों को बचा सकी। बाद में जब भी कभी लोग परेशानी में फंसते थे, वो मायावी पंख खुद ब खुद प्रकट हो जाते थे, जिससे अनामिका लोगों की सहायता करती थी। ऐसा करके अनामिका बहुत खुश थी, और इस बात से प्रसाद, शारदा और रमेश भी अनामिका को लेके बहुत गर्वित होते थे। एक गांव में अनामिका नाम की एक महिला रहती थी। उसकी बेटी का नाम था चांदनी, सासू माँ का नाम था शारदा, जो उन दोनों को ठीक ठाक देखभाल नहीं करती थी। हर दिन कुछ ना कुछ कह के उन दोनों के दिल को ठेस पहुंचाती थी, और उसके बेटे रमेश उन दोनों को समझाता था। एक दिन अनामिका उल्टियां करने लगती है। ये देखकर रमेश खुशी से कहता है, अरे माँ देखा, मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ, एक और संतान हमारे घर आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा चांदनी, तुम बड़ी बहन बनने वाली हो, तुम्हारा भाई आने वाला है। अरे अरे, तुम उछलना बंद करोगे, तुम्हें कैसे पता ये प्रेगनेंसी की उल्टियां है या फिर पेट खराब होने का? पहले उछल कूद बंद करो। मैं अभी अनामिका को अस्पताल ले जाऊंगा और उसकी परीक्षा कराऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ माँ, आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये सच में शुभ खबर है माँ। ऐसा कहकर रमेश अनामिका को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने अनामिका की परीक्षा करके ये कंफर्म कर देती है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और घर की तरफ रवाना देता है। उस दौरान उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। उस एक्सीडेंट के दौरान पूरे परिवार के ऊपर दुखों का बादल छा जाता है। आंसुओं के अलावा अनामिका के पास कुछ नहीं रहता, वो अपनी बेटी चांदनी को पकड़ के रोने लगती है। रमेश के ना होने की वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। अपनी बहू को देखकर शारदा और कटु वाक्या बोलने लगती है। छी छी, इस गलमुही, इस बदकिस्मत वाली ने तो पहला बच्चा लड़की पैदा किया, अब फिर से ये गर्भवती है मेरे बेटे को मार के। इस औरत का तो पूरा किस्मत ही काला है। हे ईश्वर, आपने मुझे क्यों नहीं बुला लिया? सासू माँ, आप इस तरह से क्यों कह रही है? आपने एक बार मेरी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा, आप ऐसा कैसे कह सकती है? हमने क्या गलती की है, आप इस तरह से हमें टॉर्चर करती है? अनामिका रोते रोते इस तरह से कहती है। सासू माँ की बातें उसे बहुत तकलीफ देती है। अरे तुम इस तरह से रो नहीं और अभिनय मत करो, लोग सोचेंगे कि मैंने पता नहीं तुम लोगों को क्या कह दिया, तुमने तो मेरे बेटे को खा ही लिया, अब पता नहीं मैं किससे जाके अपनी तकलीफें कहूंगी। कितना समझाया था पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, वो तुम्हारे बातों में आ गया और देखो अपनी जान खो बैठा। शारदा के इस तरह के चिल्लाने की वजह से चांदनी रोने लगती है। मन में तकलीफ होने के बावजूद अनामिका को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हो गया सासू माँ, अब चुप कीजिए, आपके चिल्लाने की वजह से यहाँ बच्ची भी रोने लगी है। आप हमें धक्के मार के इस घर से निकाल देना चाहती है, लेकिन ईश्वर के लिए ऐसा मत कीजिए सासू माँ, हमें सड़क पे मत उतारिए।
हाँ ये मेरा घर है। मेरे बेटे के मरने के बाद तुम लोग कौन हो? जाओ इस घर से निकल जाओ। एक पल के लिए भी अब तुम दोनों यहाँ पे नहीं रह सकती हो। शारदा बहु अनामिका और पोती चांदनी को घर से धक्का मार के बाहर निकाल देती है। सर्दियों का मौसम था, बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। क्योंकि सासू माँ ने धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था, अनामिका घर से बाहर आ गई और एक मंदिर में अपनी बेटी को लेकर गई। वो जाके मंदिर के सीढ़ियों पे बैठती है और डर डर के रात बिताती है। अगले दिन नींद से उठ के चांदनी भूख के मारे रोने लगती है। अपनी बेटी को रोते देख अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए अपनी बेटी का भूख मिटाने का कोई दूसरा चारा भी अनामिका के पास नहीं था। वो मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगने लगती है। माँ जी कुछ भीख दे दीजिए, मेरी बच्ची रो रही है भूख के मारे, कुछ खाने दे दीजिए। आप दान करेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा ईश्वर से। इस तरह अनामिका भीख मांगने लगती है। फिर वो जो पैसे कमाती है उससे वो कुछ खरीद के लाके चांदनी की भूख मिटाती है। उसकी बच्ची भी खुशी से खाती है, पर उसे बुरा लगता है कि वो अपनी सासू माँ के घर में इतने ऐशो आराम से रहने के बाद आज वहाँ पे बैठ के वो भीख मांग रही है। तभी उसी वक्त उसके पास के एक बुजुर्ग भिखारी उसे कहते हैं, देखो बेटा हम बुजुर्ग हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं इस उम्र में, पर तुम तो वैसी नहीं हो। हमारे बच्चों ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया और हमें भीख मांगने पे मजबूर किया, पर तुम्हारी तो एक बेटी है, तुम्हारी शक्ति है, तुम अगर चाहो तो तुम काम करके खा सकती हो, कोशिश करो सब ठीक हो जाएगा बेटा। उस बुजुर्ग की बातें सुन के अनामिका को भी उनकी सुझाव अच्छी लगती है। बचपन में उसके माता पिता ने उसे स्वेटर बुनना सिखाया था। सर्दियों का मौसम था तो लोग स्वेटर खरीदेंगे भी। जो पैसे बचे थे उससे अनामिका स्वेटर बुनने का सामान खरीदती है, स्वेटर बनाती है और उसे बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका स्वेटर का व्यापार बहुत अच्छा मुनाफा कमाने लगा। स्वेटर बेच के जो मुनाफा वो कमाने लगी उन पैसों से वो और बड़े बड़े दुकानें खोल ली। इस तरह स्वेटर बेचते बेचते अनामिका उस इलाके में बहुत ही जानी मानी एक पहचान बन गई। एक दिन एक नए स्कूल के उद्घाटन पर अनामिका को न्योता भेजा गया। उस कार्यक्रम में शारदा को भी निमंत्रण मिला था। अपनी बहू को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते देख शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है। उस कार्यक्रम में अनामिका को दो शब्द कहने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए अनामिका समझ नहीं पाती है वो क्या कहेगी, फिर थोड़ी समझदारी के साथ वो कहती है, हर किसी के जीत के पीछे उनका संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत दृढ़ता से फैसला किया था, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की, इसीलिए आज मैं इस पद पर हूँ। पर कभी किसी ने मुझे कहा था कि मैं बदकिस्मत हूँ, लेकिन आज उन्हें शायद सच्चाई का पता चल गया होगा। बदकिस्मती मेरी है या उनकी, ये तो उन्हें समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, भले ही वो छोटा हो उसे सम्मान दो, स्नेह दो, तभी आपको विजय प्राप्त जरूर होगी। अनामिका ने जैसे ही कहा वहाँ सभी लोग तालियां बजाकर उसे प्रोत्साहन देने लगे। अनामिका की ऐसी बातें सुनके शारदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अनामिका के पास जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। बेटा अनामिका मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा व्यवहार किया क्योंकि मुझे गर्व था पैसे होने का, मैंने बहुत कटु शब्द कहे। आज आप लोग अच्छे स्थिति में हो ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें और पोती को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पेट भर गया। आप लोग ऐसे ही रहना, खुश रहना बेटा, तुम और मेरी पोती चांदनी तुम दोनों घर वापस आ जाओ बेटा। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। सास में ऐसे बदलाव देखकर उसके मन को बहुत सुकून मिलता है। फिर वो अपनी बच्ची चांदनी को लेकर अपने पति के घर आ जाती है जहाँ वो पहले रहा करती थी, और सासू माँ के साथ खुशी से जीवन बिताने लगती है। अनामिका एक स्वैच्छिक सेवा संगठन शुरू करके गरीब लोगों की मदद करने लगती है। वो गरीब दुखियारियों की सहायता करने लगती है और उनकी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती है।